सो so केस नाउन का हम लोग का लास्ट पार्ट है और आज हम लोग का आठवां नंबर सेशन है नाउन का और नाउन का जितने भी पार्ट्स हैं जितने भी सब टॉपिक्स हैं नाइन के ऊपर हमने सब नाउन के ऊपर हमने सबने सबको सब कवर किया आज जो हमारा बचा है वो है हमारा केस केस भी नाउन का जितना भी मैंने पार्ट लिया है सात पार्ट पहले ले चुका है उसके शुरुआत में ही मैंने नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस पॉजिटिव केस के बारे में अच्छे तरह से डिटेल में बताया है लेकिन अभी चूंकि इस सब टॉपिक को पढ़ना है और इस इसमें कुछ बहुत सारे रूल्स हम लोग को जानने हैं इसको हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे साथ में एक वोकेटिव केस भी भी है इसको भी समझेंगे कि ये एक्चुअली नाउन का केस केस क्या है यानी हिंदी में कहते हैं कारक ठीक है सो so, नाउन का लास्ट पार्ट है एक है नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस पॉजिटिव केस एंड वोकेटिव केस चलो इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है सो so, मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस के एग्जाम्पल को देखकर समझाने का कोशिश किया है कि कौन सा केस क्या है हालांकि मैंने जितने भी पहले सात नाव के क्लास लिए हैं उसमें ऑलरेडी मैंने अच्छे से अलग अलग सेंटेंसेस के हिसाब से मैंने केस को समझा दिया है हाएवर फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है यहाँ पे नॉमिनेटिव और नॉमिनेटिव को हम लोग क्या कहते हैं सब्जेक्टिव ठीक है यानी द वर्ड्स विच स्टार्ट अ सेंटेंस वो वर्ड जो सेंटेंस से कल स्टार्ट ही नहीं करता ठीक है ये केवल सेंटेंस को स्टार्ट ही नहीं करता बल्कि ऑल्सो डूअर ऑफ द एक्शन सेंटेंस में काम होता है कि नहीं होता है वर्ब इज देर बिकॉज विदाउट वर्ब अ सेंटेंस हैज नो मीनिंग द सेंटेंस इज मीनिंगलेस सो अगर सेंटेंस में कहीं भी एक्शन हो रहा है यानी कि कोई वर्ब है तो उसे करने वाला होना चाहिए दैट डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड अगर वो सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा है तो हम कहते हैं कि जो स्पेसिफिक जो वर्ड है वो क्या है सब्जेक्टिव केस में है ना हेयर फॉर द एग्जाम्पल इज वॉचिंग टेलीविजन एट द मोमेंट नाव अगर मैं यहाँ पे ही को रिप्लेस कर दूर पूछू आपको हु इज वॉचिंग टेलीविजन एट द मोमेंट योर एंसर विल बी ही इस वक्त टेलीविजन कौन देख रहा है तो ही देख रहा है नाउ यहाँ हमारे पास भर्व कौन सा है ऑक्सिलरी भर्व यानी हेल्पिंग भर्व है इज एंड मेन भाव कौन है वॉचिंग इट इज एन एक्शन है ना कोई एक्टिविटी चल रहा है ना जहाँ पे आपकी ऊर्जा खत्म होती है जहाँ ऊर्जा वेस्ट होती है आप एनर्जी कैलोरी बर्न करते हो एनर्जी वेस्ट करते होवन इफ यू आर स्लीपिंग यू आर वेस्टिंग समर एनर्जी तो यहाँ पे अगर ये काम हो रहा है तो काम करने वाला कौन है ही और सेंटेंस के स्टार्टिंग पॉइंट पे भी बैठा हुआ है सेंटेंस को स्टार्ट भी कर रहा है

हर प्रोनाउन का जो केस होता है नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव पोजेसिव वोकेटिव सबका अपना प्लेसमेंट और पोजिशन होता है तो आपको पोजिशन को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा द ताजमहल यहाँ पे क्या दिया हुआ है कॉमा नाउ ये नाउन है ताजमहल और नाउन के बाद अगर कॉमा है किसी भी किसी भी के किसी भी नाम के बाद अगर कॉमा है तो इसका मतलब इसके बाद जो कुछ भी कहा गया वो किसके लिए कहा गया है ताजमहल को और इसे हम लोग ग्रामर के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मैंने कितनी बार मैंने बोला है तुम लोग अभी तक तो याद हो जाना चाहिए था नाउन इन इनोजिशन इसे हम लोग क्या कहते हैं नाउन इन ये लोग पढ़ेंगे बाद में द ताजमहल क्या एन एक्सक्विजिट मार्बल कॉमा तो ये भी इसके बारे में बोला गया है कि मार्बल का बना हुआ एक क्या कहेंगे इसको कारनामा है स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ इटर्नल लव एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी ठीक है ना एक प्यार का प्रतीक एक आर्किटेक्चरल ब्यूटी का प्रतीक जो है ये दोनों जो बातें बोली गई हैं पहला एन एक्सक्लूसिव मार्बल मोजिलियम फिर कॉमा है एंड स्टैंड एज अ सिंबल ऑफ इटर्नल लव एंड आर्किटेक्चर ब्यूटी ये दोनों बातें किसके लिए बोली गई है ताजमहल के लिए और इसे बताने के लिए हम किससे इसको अलग कर रहे हैं कॉमा से तो ये कॉमा से सेपरेट करके जब नाउन को इंट्रोड्यूस करते हो और उसको फर्दर आप एलाबोरेट करते हो तो इसे हम लोग नाउन इन एपोजिशन कहते हैं जो है सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है ताजमहल से सब्जेक्टिव केस में है ठीक है उसी तरह से एक होता है ऑब्जेक्टिव केस देखो सब्जेक्टिव केस में एक और चीज ध्यान दो मैं बता रहा हूं यहां पे मैंने आपको बोला जैसे मैंने आपको ही बोला कि इज राइटिंग अ लेटर To his father. ठीक है लेटर टू हिस्सा अभी आप इस बात को क्या काम हो रहा है राइटिंग का काम हो रहा है सो दिसन एक्टिविटी टू बी वेस्टेड बाई द एक्शन दब्जेक्ट तो इस सेंटेंस में राइटिंग जो काम हो रहा है इसे करने वाला कौन है, He है? तो ही कौन है हमारा सब्जेक्ट बिकॉज ही इज द डूअर ऑफ द और इट इज द डूअर ऑफ द एक्शन दैट इज राइटिंग राइटिंग एक्शन है और इसे करने का काम कर रहा है ही और सेंटेंस की स्टार्टिंग भी किससे हो रही है ही से और सेंटेंस के स्टार्टिंग में कौन होता है सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट ही होता है डूअर ऑफ द एक्शन जो एक्शन हो रहा है उसे करने वाला तो ये किस केस में हुआ ये आपका नॉमिनेटिव केस में हुआ नॉमिनेटिव मतलब नेम ठीक है या फिर सब्जेक्टिव केस दोनों एक ही बात है ठीक है और या तो कह सकते हो नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस नाउ वह लेटर किसको लिख रहा है फादर किसका है ही का तो आप मुझे बताओ केस पढ़ना क्यों जरूरी है यह एक ही एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा ही इज राइटिंग टू हम यहां पे यह क्यों लिख सकते कि ही इज राइटिंग अ लेटर टू ही फादर टू हिम फादर क्यों नहीं लिख सकते आखिर ही सेम है हिम भी किसका फॉर्म है ही का ही फॉर्म है तो हम यहाँ पे अगर मुझे ये बताना है कि फादर किसका है फादर ही का है यानी फादर का पोजीशन किसके पास है ही के पास है हम क्या दिखा रहे दिखा रहे रहे हैं हैं पोजीशन कि मेरे पिताजी है और मेरे पिताजी मतलब ही है तो ही के लिए क्या होगा हिज होगा ठीक है यहाँ पे माई के लिख सकते हैं ठीक है नहीं लिख सकते हैं तो हमारा कहने का मतलब है वो अपने पिताजी को अगर लिख रहा है अपने पिताजी को तो ही इज राइटिंग अ लेटर टू His father. मुझे यहाँ पे अगर पोजिशन बताना है मुझे यहाँ पे अगर पोजिशन बताना है तो मुझे प्रोनाउन का कौन सा केस यूज करना पड़ेगा पॉजिटिव केस यूज करना पड़ेगा बाकी कोई भी केस यहाँ पे नहीं चलेगा ठीक है माई भी पॉजिटिव केस है लेकिन हमें बताना है कि फादर किसका है ही का, तो he का है तो ही का फादर है तो हीज फादर अगर मेरे पिताजी को लिख रहा है तो मैं लिखो माई फादर तुम्हारे पिताजी को लिख रहा है तो योर फादर उसके पिताजी को लिख रहा है तो ही इज राइटिंग ही इज राइटिंग अ लेटर ही इज राइटिंग अ लेटर टू देयर फादर्स देयर फादर और देयर फादर्स ठीक है तो जो भी हो यहाँ पे ही का काम है सेंटेंस को स्टार्ट करना सब्जेक्ट का काम है सेंटेंस को स्टार्ट करना और जो हीज है या माई जो भी केस होगा यहाँ पे वो ये बताता है पोजिशन बताता है कि फादर किसका है तो फादर मेरा है मेरा माने कौन ही तो ही के लिए क्या हो जाएगा हीज हो जाएगा तो क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं तुम मुझे बताओ कि ही मीज़ राइटिंग लेटर क्या मैं क्या सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हिम कौन सा केस है ऑब्जेक्टिव केस है हिम कौन सा केस है ऑब्जेक्टिव केस है ऑब्जेक्टिव केस में एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है सेंटेंस किससे होती है सब्जेक्ट से फॉलोड बाई वर्ब और उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट

उसको उसी जगह बैठना होगा जिस जगह के वो लायक है जिस से, जिससे सेंटेंस की खूबसूरती और मीनिंग पे कोई असर ना पड़े आपने जैसे हिम ही को ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्ट के जगह पे रख दिया पूरा सेंटेंस ही गलत हो गया क्योंकि हिम का काम भर्व के बाद है भर्व के पहले नहीं जैसे आई नो हिम अब यहां पर देखो नो no. ये क्या है हमारा भर्व है अगर ये भर्व है मतलब एक्शन है किसी को जानना भी एक तरह का काम होता है ठीक है तो कौन जान रहा है आई तो ये किस केस में है सब्जेक्टिव केस में आई का सब्जेक्टिव केस आई ही होता है आई का सब्जेक्टिव केस आई होता है और ये है तो ये सब्जेक्ट हो गया ये भर्व हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में वी आर यूजिंग प्रोनाउन हम किसको यूज कर रहे हैं

लिख सकते हैं आई नो हिज ये आपका सब्जेक्टिव केस हुआ ये आपका केस हुआ। क्या आप बताओ भर्व के बाद ये दोनों में से कोई भी है? नहीं है क्योंकि के के सेंटेंस के शुरुआत केस का इस्तेमाल बिलोंगिंग्स ओनरशिप कोई चीज आपका है आपके पोजिशन में है आपके अधिकार में है या किसी और के अधिकार में है

तो जैसा सब्जेक्ट होगा पॉजिटिव केस भी उसी के हिसाब से होगा आई होप ये क्लियर हो गया होगा ठीक है तो ये हो गया तो ऑब्जेक्टिव केस देखो जैसे कि आई आई बताओ कौन सा केस है सब्जेक्टिव केस है कोई दिक्कत क्लियर दिख रहा है तो हेल्प क्या है हेल्प आपका भर्व है हेल्प है आपका भर्व है. मैंने हेल्प किया किसको हेल्प किया राहुल को तो ये कौन सा केस हुआ ऑब्जेक्टिव केस हालांकि यहां मैंने नाउन को इस्तेमाल कर लिया राहुल क्या है नाउन या कौन सा नाउन है प्रॉपर नाउन किसी भी स्पेसिफिक व्यक्ति का जो नाम होता है उसे ही तो पापा तुम्हारा, मेरा नाम जो भी है, जिसे हमें पुकारा जाता है वो हमारा क्या मदद कर रहा हूँ उसकी पढ़ाई ये पढ़ाई का रिलेशन किससे है राहुल और राहुल एक नाउन है और एक ही नाउन को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे तो नाउन राहुल के लिए कौन सा वर्ड आएगा ही और स्टडीज का रिलेशन मुझे यहाँ पर रिलेशन शो करना है पोजिशन शो करना है कि स्टडीज किसका है राहुल का है राहुल का मतलब होता है ही और मुझे यहाँ पे क्या यूज करना है ही का पोजिटिव केस तो क्या आ जाएगा हिज स्टडी फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन तो हर एक जगह पे नाउन के अलग अलग केस का बहुत इंपॉर्टेंस है इस पर दुनिया भर का लंबा चौड़ा सवाल आता है एरा फाइंडिंग में टीचर अब देखो टॉट किसका पास्ट टेंस है टीच का टीच भर्व का फर्स्ट फॉर्म होता है और ये भर्व का सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस जब भर्व को पास्ट में लिख दिया तो क्या singular, क्या सिंगुलर तो काम? काम तो कौन है टीचर किस केस में हुआ सब्जेक्ट अब टीचर कौन सा नाउन है कॉमन नाउन क्योंकि लड़का लड़की दोनों के लिए इस्तेमाल होता है ना ये कौन सा नाउन हो गया कॉमन नाउन तो टीचर सब्जेक्टिव केस है कॉमन नाउन है पढ़ाया किसको पढ़ाया ये भर्व है तो भर्व के बाद अगर मुझे यहां पे प्रोनाउन अगर यूज करना है मुझे अगर यहां प्रोनाउन यूज करना है तो किस केस में यूज करना पड़ेगा भर्व के बाद कोई भी प्रोनाउन किस केस में आएगा बोलो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा ठीक है तो देखो हर है अब तुम मुझे बताओ हर किससे बनता है शी से क्या मैं यहां पे टॉट के बाद शी लिख सकता हूं कि टीचर टॉट शी इंग्लिश ग्रामर क्या आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है नहीं बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है आपको भर्व के बाद किसी भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है हाँ, आप, हर नहीं लिख आप लिख सकते हो टीचर टॉट आदित्य अदिति सुमन अंजलि आप नाम लिख दो तो चलेगा लेकिन आप नाउन का इस्तेमाल नहीं करके प्रोनाउन का इस्तेमाल अगर कर रहे हो तो आप उसको ऑब्जेक्टिव किस में रखो क्योंकि भर्व के बाद यूज करोगे तो किसी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा भर्व के पहले यूज कर रहे हो सेंटेंस को स्टार्ट करने के सेंटेंस को स्टार्ट देने के लिए तो सब्जेक्टिव केस में होगा यहाँ पे कॉमन यह नाउन है यहाँ पे ही भी हो सकता है ही टॉट 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 हर 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 आई यू वी समझ में आ रहा है है बात तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस ठीक इसे कहते हैं कर्ता ने कर्म को हिंदी में पढ़े हो ना कर्ता ने कर्म को कर्ता ने किया कर्म को असर पड़ा ये जो होता है वही वाला केस है खैर इसके बाद देखो कौन सा केस है पोजेसिव केस पोजेसिव केस, पुझेसीव केस। कोई भी चीज वस्तु किसका है उसका संबंध किसके साथ है वो किसको बिलोंग करता है उसका ओनर कौन है तो कहते हैं ना मेरा तुम्हारा उसका उसकी ठीक है ये जो आपको शो करना है सेंटेंस में अगर मीनिंग में ऐसा पता चल रहा है तो आपको वहां पे प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है या नाउन भी लगा रहे हो तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना है क्योंकि नाउन में जैसे ही से तुम हिज बना लोगे योर यू से योर बना लोगे आई से माई बना लोगे वी से आ बना लोगे, लेकिन राहुल लिखा हुआ है राहुल से क्या बनाओगे तो नाउन जब लगेगा तो नाउन में क्या लगेगा तब तो वो क्या बन जाएगा बन जाएगा। देखो द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल आर्किटेक्चर देखो द ब्यूटी ऑफ द आर्किटेक्चर किसका ताजमहल का ताजमहल क्या है प्रॉपर नाउन और हमें यह बताना है कि जो ताजमहल की आर्किटेक्चर की जो सुंदरता है क्योंकि ताजमहल लोग की देखते हैं आर्किटेक्चर का मार्बल है ना वो तो वंडर है तो आर्किटेक्चर किसको बिलोंग करता है ताजमहल को और ताजमहल चूंकि एक नाउन है प्रोनाउन नहीं है तो यहाँ क्या लगेगा हमारा एपस्ट ऑफियर अभी पढ़ेंगे रूल सारा ज्यादा नहीं है खत्म हो जाएगा आज सो द ब्यूटी ऑफ द ऑफ का भी इस्तेमाल हम लोग क्या के लिए करते हैं ब्यूटी किसका ब्यूटी किसका बताओ ताजमहल का और ताजमहल का कौन सा ब्यूटी तो आर्किटेक्चर ब्यूटी यहां पे हम ताजमहल की ब्यूटी को ऑफ से बता रहे हैं ये भी तुम्हारा पॉजिटिव केस है ऑफ का इस्तेमाल भी पॉजिटिव केस के रूप में किया जाता है ठीक है द ब्यूटी किसका ऑफ द ताजमहल ताजमहल का क्या आर्किटेक्चर क्या है वो इज ब्रथ टेकिंग सांसे रोक देता है मैंने मनमोहक मन, है नया कार नया कार किसका है मेरे फ्रेंड का अब बताओ माई आई से बनने वाला पॉजिटिव केस है, है कि नहीं है तो फ्रेंड किसका मेरा मेरा फ्रेंड तो माय फ्रेंड ये पूरा हो गया सब्जेक्ट और कार किसका है कार किसका है मेरे दोस्त का मेरे दोस्त का कार फ्रेंड कॉमन नाउन है तो यहां पे क्या लग जाएगा हमारा एपोस्ट्रोफी इज yes. अगर यहां पे एपोस्ट्रोफीस yes नहीं लगाओगे तो पॉजिटिव केस कैसे आएगा क्योंकि ये तो नाउन है प्रोनाउन होता ही होता तो हिज लगा देते शी होने से हर लगा देते तो माय फ्रेंड्स न्यू कार इज क्वाइट इंप्रेसिव दोज आर द पॉज ऑफ द किटन वो सारे क्या है बिल्ली के पंजे हैं अब बताओ पंजे किसके हैं किटन के हैं बिल्ली के बच्चों के हैं उसके लिए कौन सा इस्तेमाल किया गया ऑफ अब तुम मुझे बताओ अगर मैं यहाँ से ऑफ को हटा दू तो क्या हम बता पाएंगे कि ये पंजा किसका है दोज आर पॉज द किटन पॉज किसका ऑफ द किटन तो ऑफ का भी इस्तेमाल पॉजिटिव केस के तौर पे किया जाता है

ग्रीट करते हो पुकारते हो ठीक है तो इस केस को जो यहाँ लिखा हुआ है सॉरी ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है हे hey जॉन और एलेक्स या कोई भी नाम आप पुकारते हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं वोटिव केस वेन यू कॉल आउट बाई when नेम call आउट सम वन their नेम बाई their नेम जब आप किसी को उसके नाम से पुकारते हो तो वह नाम उसका क्या बन जाता है वकेटिव केस बन जाता है सॉल्ट hey एलेक्स कुड यू प्लीज हेल्प मी विद अरेस्ट क्या तुम तो मुझे इस काम में मेरी मदद करोगे तो ये जो आपने नाम लिया अभी नाम लेके पुकारा दिस इज कॉल वोकेटिव केस कुछ नहीं है आसान था ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ये भी हो गया हमारा अब जो मैंने आपको सिखाया उसको मैंने क्या किया एक टेबल के माध्यम से सब कुछ मैंने लिख दिया लाइफ में इसके अलावा और किसी भी चीज़ की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अलग अलग केस देखो यहाँ मैंने लिखा है प्रोनाउन यहाँ पे उसका नॉमिनेटिव केस उसका ऑब्जेक्टिव केस उसका पॉजिटिव डिटरमाइनर मैंने पॉजिटिव एडजेक्टिव याद है पॉजिटिव एडजेक्टिव जिसके बाद क्या क्या का जरूरत पड़ता है नाउन का जरूरत पड़ता है और एक है पॉजिटिव प्रोनाउन और एक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे और जो केस है केस के लिए बता दू केस को प्रोनाउन को तीन हिस्सों में बांटा जाता है फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन मैंने ये पहले भी करवा दिया है फिर भी एक बार यहाँ बोल देते हैं बहुत लोग शायद नहीं थे उस समय पर्सन ठीक है एक होता है फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर जो वक्ता होता है जो बोलने का काम करता है जैसे कि मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं तो मैं स्पीकर हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ ठीक है उसके बाद होता है सेकेंड पर्सन यानी कि लिसनर और एक हो गया थर्ड पर्सन मतलब उत्तम पुरुष द्वितीय पुरुष अन्य पुरुष हिंदी में कहते हैं फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन ऑफ whom वी आर टॉकिंग अबाउट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ठीक है अब जो पर्सन है इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है एक सिंगुलर होता है और एक क्या होता है प्लुअल होता है तो फर्स्ट पर्सन यानी कि जो स्पीकर इसे मैं अभी स्पीकर हूँ तो मैं अकेला हूँ तो मैं अगर अकेला हूँ तो सिंगुलर हुआ तो फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा आई ठीक है सिंगुलर में लेकिन अगर हम प्लुअल की बात करें फर्स्ट पर्सन की मान लो मेरे साथ और भी दो टीचर होते और वो भी आपको लेक्चर दे रहे होते या क्लास ले रहे होते तो स्पीकर एक से ज्यादा है तब क्या हो जाएगा वी तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई अपलोअल कौन होता है वी सेकंड पर्सन दोज हुआ लिसनर जैसे कि आप लोग सुनने सुनने का काम कर रहे हो यू वाला लिसनर आप लोग श्रोता लोग हो ऑडियंस हो अगर एक एक ऑडियंस सुनने वाला है तो भी क्या होगा यू और एक से अधिक है तो भी क्या होगा यू ठीक है थर्ड पर्सन जो यहाँ हमारे पास आसपास नहीं भी हो सकते पर उनके बारे में हम बातें कर रहे हैं ठीक है तो वो अगर सपोज <coughs> अगर वो मेल है तो क्या होगा ही फीमेल है तो शी और कोई क्रिएचर है ऑब्जेक्ट है थिंग्स है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे इट का इस्तेमाल करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर तो जब भी आपसे पूछू कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है तो आपको बताना है सर सिंगुलर होता है ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम ही के जगह बोल दिए राम शी के जगह बोल दिए अदिति इस तरह से ठीक है और थर्ड पर्सन प्लूल क्या हो जाएगा हमारा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक से अधिक है तो क्या हो जाएगा हमारा दे तो ये एक्चुअली पूरा पर्सन हो, हो गया भी यू और person, singular, क्या हो जाएगा ही हो जाएगा हमारा दे ये क्लियर हुआ तो चार्ट पे आते हैं सबसे पहले कौन है आई आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई से हम सेंटेंस को शुरू करते हैं ना आई वेंट टू स्टोर मतलब मैं कहा गया था मैं स्टोर गया था पास्टेंस है और स्टोर जाना क्या है भर्व है और भर्व करने वाला कौन है आई तो आई किस केस में रहा सब्जेक्टिव केस में अब आई को मुझे ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है अगर किसी प्रोनाउन को अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है तो आपको उसको भर्व के बाद ले जाना होगा भर्फ के बाद तो लिखा मैंने दे सौ मी देर अभी सौ भर्व का सेकेंड फॉर्म है क्या है कि नहीं है का सेकेंड फॉर्म है और यहाँ पे दे कौन सा केस है सब्जेक्टिव केस है दे का और मी क्या है आई का ऑब्जेक्टिव केस ये कौन सा केस केस हुआ हुआ ऑब्जेक्टिव क्योंकि किसका इस्तेमाल किसके बाद हुआ है भर पर दे सौ मी मैं यहाँ पे दे सौ आई नहीं लिख सकता क्योंकि आई का इस्तेमाल सेंटेंस को शुरू करने का है मी का इस्तेमाल सेंटेंस को खत्म करने का है या भर के बाद आने का होता है अब मुझे इस्तेमाल करना है पोजेसिव डिटरमाइनर या एडजेक्टिव इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग कह रहा है कि दैट्स माई बुक दैट्स मतलब शॉर्ट में लिखते हैं ना यानी कि दैट इज दैट इज माई बुक ठीक है अब यहां पे एक चीज देखो कि यहां पे माई का इस्तेमाल किया गया है माई क्या है पॉजिटिव एजेक्टिव अगर ये पॉजिटिव केस तो है ही मेरा एजेक्टिव है तो एडजेक्टिव किसे क्वालिफाई करता है नाउन को तो जब भी आप इस तरह के प्रोनाउन के एडजेक्टिव या डिटरमाइनर के फॉर्म को यूज कर रहे हो तो इसके बाद एक नाउन क्या होता है कंपलसरी होता है ठीक है बात समझ में आया अब मैंने क्या किया इसी को थोड़ा अलग से लिखा मैंने माई के जगह किसको यूज किया माइंड तो देखो ये जो बुक था जो माई के बाद आया था क्योंकि एडजेक्टिव अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई करता है लेकिन जैसे ही मैंने माई को पोजिटिव प्रोनाउन क्या माइन से रिप्लेस किया देखो बुक पहले चला गया क्योंकि माइन के बाद किसी भी तरह के नाउन की जरूरत नहीं होती है क्योंकि व्हाट इज अ प्रोनाउन अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच रिप्लेसेस अ नाउन प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन को हटा के खुद आ जाते हैं तो अगर ये प्रोनाउन है तो ये नाउन को हटा के आया है वो कौन सा नाउन है बुक देखो बुक पहले चला गया दैट बुक इज माइन माइन के बाद किसी भी तरह का नाउन नहीं आएगा इसके ऊपर भी एरर फाइंडिंग आएगा तुमको आपको पोजेसिव प्रोनाउन दे देगा लेकिन उसके बाद नाउन दे देगा आपको याद ही नहीं रहेगा उस समय कि हाँ इसके बाद नाउन नहीं चाहिए था पढ़ने में लग रहा है सही बट ग्रामिटिकली वो गलत है यहाँ पे पढ़ने में सही लग रहा है उसे कोई मतलब नहीं ग्रामिटिकली सही होना चाहिए दैट द ऑनली मैटर्स और एक हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कहा करते हैं वेन वी वॉन्ट टू एम्फोसाइज ऑन द फैक्ट दैट द स्पेसिफिक थिंग हैज डन थिंगन बाईन ठीक है और समबडी कोई काम किसी के द्वारा खुद किया गया है मैंने ये काम खुद किया है खुद किया है, मतलब मैं मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैंने ये काम किया है एक होता है है मैंने ये काम खुद किया है। तो चीजों पे जोर देने के लिए उसको करने के लिए चीजों पे कि इसका इंपॉर्टेंस बताने के लिए काम मैंने खुद अकेले किया है इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोडाउन का इस्तेमाल करते हैं तो आई से क्या बनता है माई सेल्फ क्योंकि आई का पॉजिटिव केस क्या के है माई तो माइ सेल्फ होगा तो आई डिड इट माई सेल्फ मतलब मैंने ये खुद किया है मैंने ये

हम आवर्स का कर इस्तेमाल करेंगे तो ये तो पोजेसिव एडजेक्टिव है लेकिन ये क्या है पोजेसिव प्रोनाउन है अगर प्रोनाउन है तो इसके बाद क्या किसी भी तरह का नाउन आएगा नहीं आएगा देखो वो जो हाउस था ना जो कि एडजेक्टिव के बाद आता था प्रोनाउन के पहले ही चला गया क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस कर देता है और प्रोनाउन उसके जगह पे चला आता है ठीक है और वी से हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा चूंकि और अगर जिसे आई सिंगुलर था तो सेल्फ लगा था एफ लेकिन अगर प्लुएल होगा तो एफ क्या बन जाता है वी ई एस मैंने सिखाया था तो वी डिड इट आर सेल्फ हमने ये खुद किया है क्योंकि वी होगा तो आर सेल्फ होगा वी लिख के माई सेल्फ नहीं लिख सकते क्योंकि वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ, सेल्फ होता है ठीक है अब आते हैं सेकेंड पर्सन सिंगुलर भी यू होता है प्लुएल भी यू होता है दोनों सेम होता है ठीक है इन दोनों की हम बात कर रहे हैं इन दोनों की हम बात कर रहे हैं यू आर माई फ्रेंड

You are my friend. क्योंकि ये क्या बता रहा है स्टेटस कि तुम मेरे कौन हो तुम मेरे दोस्त हो तो ये बताना भी एक तरह काम हुआ एक्शन हुआ तो यू सब्जेक्टिव केस हुआ यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है सेम यू ही होता है यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है यू एक ऐसा प्रोनाउन है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है आई सॉ यू आई कौन सा केस है सब्जेक्टिव केस ये क्या हो गया का फॉर्म और ये क्या हो गया भर के बाद जो आएगा वो कौन है ऑब्जेक्टिव तुम्हें तो तो पहले भी, यू आता है, के बाद भी आता है लेकिन भारत के पहले है तो सब्जेक्ट है भारत के बाद है तो वो ऑब्जेक्ट है अब देखो इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन होता है योर? और अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद क्या चाहिए हमको नाउन चाहिए इज दिस योर पेन क्या ये तुम्हारी कलम है तो चूंकि एडजेक्टिव है एडजेक्टिव अपने बाद आने वाले किसी नाउन को ही क्वालिफाई करता है तो वह है पेन और अगर हम योर के जगह पे अगर हम योर्स का इस्तेमाल करते हैं तो यह है पोजेसिव पोजेसिव प्रोनाउन 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 और नाउन को हटा के आता है इसलिए इसके बाद कोई नाउन नहीं चाहिए दैट ये पेन जो है ना फर्स्ट में चला जाएगा ये पेन शुरू में चला जाएगा दैट पेन इज योर्स वह कलम तुम्हारी है ठीक है और चूंकि यू क्या है सिंगुलर में भी यूज होता है प्लुरल में भी प्लता है, you है अगर प्लुरल सेंस में है तो योर सेल्फ भी लिख सकते हो ठीक है तो दोनों में सेम है यू आर टैलेंटेड आई सॉ यू देयर इज दिस योर कार दैट कार इज योर योर सेल्फ देखो अगर ये प्लुरल हो गया तो ये क्या बन गया हमारा योर सेल्फ ठीक है हमें नहीं पता ना यू क्या है सिंगुलर है कि प्लुरल है अगर सिंगुलर है एक आदमी है तो योर सेल्फ एक से अधिक है तो योर सेल्फ तो इसके बाद थर्ड पर्सन तब पर्सन ही हो सकता है शी हो सकता है कोई क्रिएचर ऑब्जेक्ट थिंग्स है तो इट हो सकता है जैसे ही इज बिजी शी इज बिजी इट इज बिजी तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया इज़ क्या हो गया हमारा मेन वर्ब और बिजी होना क्या बता रहा है कि हम इस वक्त किस स्टेटस में है या किस कंडीशन में है ठीक है उसके बाद ही वी क्या है सब्जेक्टिव केस है मेट क्या है वर्ब का सेकेंड फॉर्म और हम किससे मिले अगर ही से मिले हैं तो भर्व के बाद ही क्या Him, का क्या हो जाएगा हिम ऑब्जेक्टिव केस शी का क्या हो जाएगा हर ऑब्जेक्टिव केस इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है यू की तरह ठीक है उसके बाद हमें एडजेक्टिव की तरह यूज करना है इज दिस हिज बैग इज दिस हर बैग इज दिस इट्स बैग क्या इसका जो बंदर लोग जो आजकल चिंपन जी होता है वो भी तो इंसान की तरह बिहेव कर रहे हैं ना बैग ले घूम रहे हैं मेकअप कर रहे, रहे हैं वगैरह वगैरह That bag, अब देखो ये bag जैसे ही आगे चला जाएगा इसका मतलब आगे हमें क्या यूज करना है प्रोनाउन दैट बैग इज देखो his पोजेसिव एजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है लेकिन हर अलग है हर का एजेक्टिव फॉर्म होता है हर और प्रोनाउन फॉर्म क्या होता है हर्स और इट का प्रोनाउन क्या होता है इट्स ठीक है दो, दो, दोनों में सेम है ये भी यहाँ भी इट्स है और यहाँ भी इट्स है तो दोनों जगह पे यानी कि हिस्स को और इट्स को तुम दोनों केस में इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है और ही से क्या बनता है हिमसेल्फ शी से हरसेल्फ इट से इट इट्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बच गया हमारा दे 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 वर्ब का सेकंड फॉर्म है क्योंकि विन का पास्ट टेंस होता है क्या जीता गेम तो ये भी ऑब्जेक्ट है लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है नाउन है गेम मैंने खेलते इसमें कोई केस नहीं है ये वर्ब के बाद आया है हमने जीता क्या जीता तो गेम जीता टूर्नामेंट जीता किसने जीता दे तो सब्जेक्टिव केस हुआ यहाँ पे वी दे का हमने क्या यूज किया है देम क्योंकि ये भर्व है सौ क्या है 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 वी क्या क्या सब्जेक्टिव केस तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस दे आर क्या हो गया इसका पोजेसिव एडजेक्टिव इसके बाद क्या चाहिए हमको नाउन चाहिए और इसी देयर के जगह पे अगर हम देयर को इस्तेमाल करेंगे तो इसके बाद किसी नाउन की जरूरत नहीं है नाउन देखो पहले आ चुका है ये हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन ये हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव और दे चुकी ट्रुवल है तो क्या हो जाएगा दम सेल्फ इट उन लोगों ने खुद ही काम किया है सो so ये है टोटल जब टेंस पढ़ाएंगे जब टेंस में जाएंगे हम लोग को दोबारा ये पढ़ना पड़ेगा लेकिन मैं वहाँ नहीं ये नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी आपका हो चुका है वहाँ सेम टू सेम टेंस के पहले यही पढ़ाना पड़ता है बिना इसको पढ़े टेंस नहीं होगा अगर आप इफ यू डोंट नो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है थर्ड पर्सन प्लुरल क्या है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है सेकेंड पर्सन प्लुरल क्या है टेंस में आप हाथ भी नहीं लगा सकते तो ये कंप्लीट नॉलेज आपको होना चाहिए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ये हो गया हमारा अब देखो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो आपको केस में पढ़ना है इसके ऊपर एरर फाइंडिंग आपको आएगा क्योंकि आज क्लास लास्ट है ना उनका इसके बाद हम लोग कल जो है सीधे सीधे एप्लीकेशन में चले जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के सवाल है उस पर चले जाएंगे करेक्ट सेंटेंसेस इन करेक्ट सेंटेंसेस क्या बोला है डू नॉट यूज एपोस्टोफियस मतलब पॉजिटिव केस मतलब होता है करना। With things. किसी भी निर्जीव जिसमें प्राण नहीं है नॉन लिविंग है ठीक है उसके साथ कभी भी एपोस्टोफियस नहीं लगाना है बल्कि उसको एलाबोरेट करके लिखना है किसकी मदद से ऑफ की मदद से आई रिपीट अगेन कि अगर कोई निर्जीव वस्तु है जिसमें कोई प्राण नहीं है उसमें नहीं लगाना है उसमें ऑफ लगा के उसे क्या करना है एलाबोरेट करना है कैसे देखो जैसे डूबते सूरज की खूबसूरती तो बताओ सनसेट लिविंग है कि नॉन लिविंग है सनसेट जो है एक नॉन लिविंग थिंग है नॉन लिविंग इसके साथ एपोस्टोफियस लगाना इनकरेक्ट है ठीक है तो क्या करेंगे इसको तो हमको दिखाना ही पड़ेगा पोजिशन लेकिन पोजिशन दिखाने के लिए मेरे पास कौन सा वर्ड है ऑफ हमें आपको एलाबोरेट कर देना है क्या करना है द ब्यूटी ऑफ द सनसेट उसके बाद कुछ भी लिखो ये है मेन तो हमने क्या किया जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसके साथ एपस्टोफेस का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि उसको ऑफ के जरिए उसके पूरे चीज को हम एलाबोरेट करते हैं सनसेट ब्यूटी का मतलब होता है द ब्यूटी ऑफ द सनसेट लेकिन चूंकि ये नॉन लिविंग है आपको नहीं लगाना है सेम ओशियन साउंड महासागरों की आवाज नॉन लिविंग थिंग्स है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या लिखेंगे साउंड ऑफ ऑफ ओशियन ऑटम्स कलर क्या लिखेंगे ऑटम फ्रेशली बेक्ड ब्रेड का एरोमा जो फ्रेशली जो भी पका है जो ब्रेड से निकलने वाली सुगंध है ब्रेड एरोमा मतलब एरोमा ऑफ द फ्रेशली बेक्ड ब्रेड ठीक है

विथ नॉन लिविंग थिंग लेकिन आपको एग्जाम में दिया रहेगा आपको उस बहुत ध्यान देना है लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है तो आज से एग्जाम में जब जाओगे चार पाँच महीने या छह महीने बाद उस समय आपको ये बात याद रहे इसका एक ही तरीका होता है कि रोज आपको ये चीज़ एक बार पन्ना उलट के एक बार देख तो लेना होगा ताकि दिमाग में हमेशा बैठा रहे अब एग्जाम के पहले कॉपी खोलोगे तो कितना खोलोगे उस समय तो काफी ज्यादा पढ़ाई का काम हो गया होगा आप हैंडल नहीं कर पाओगे प्रेशर तो ऐसा कोई भी नाउन ऐसा कोई भी नाउन कोई भी नाउन जिसके लास्ट में क्या है एस है मतलब वो पहले से ही प्लुरल पे है या तो पहले से वो प्लुरल हो जैसे गर्ल का क्या होता है गर्ल्स लड़कियां ये प्लुरल हो गया या कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो प्लुरल नहीं है पर उसमें एस है ये भी सिखाया है मैंने तो उसके साथ सिर्फ क्या लगाना है एपोस्ट्रोफी जो ऑलरेडी एस है दोबारा उसमें एपोस्टोफियस मत लगाना वरना आपका वर्ड जो है ना सुपरफ्लूस हो जाएगा अननेसेसरी ठीक है जैसे देखो That is girls college. अब देखो दैट इज इज गर्ल्स गर्ल्स कॉलेज अब में ऑलरेडी एस है ये लड़कियों का कॉलेज है एक लड़की का नहीं लड़कियों का कॉलेज है तो गर्ल का हम सिंगुलर में क्या लिखते हैं गर्ल और प्लुरल में क्या लिखते हैं गर्ल्स और हमें यह बताना है कि कोई यहां चीज है जो किसकी है लड़कियों की है लड़कियों की तो लड़कियों का इंग्लिश हुआ गर्ल्स ऑलरेडी एस आ गया तो सिर्फ एपोस्टी लगाओ गर्ल्स स्कूल यहाँ पे आप दोबारा एपोस्टी एस इस्तेमाल मत करना यहां भी देखो किसका रेसिडेंस है चार्ल्स का अब देखो चार्ल्स तो नाम है अब किसी का नाम में तो तुम एस और एस लगा के बहुवचन नहीं बना सकता नाम तो नाम ही होता है अब उसका नाम के लास्ट में क्या है एस है तो सिर्फ क्या लगेगा एपोस्टी लगेगा कि द हाउस इज चार्लस रेसिडेंस ये ठीक है टीम किसकी है थॉमस थॉमस के लास्ट में ऑलरेडी ऐसे की नहीं है तो सिर्फ क्या लगेगा बहुत ध्यान से सुनो क्योंकि आज का क्लास खत्म होने के बाद कल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इसलिए आज जाके घर में पूरा नाउन बढ़िया से पढ़ लेना ठीक है तो थॉमस में ऑलरेडी एस है और थॉमस किसी का नाम होता है ना एपोस्टॉफी लगाना है अब बताओ किसका हॉस्टल बॉयज हॉस्टल है लड़कों का हॉस्टल है ये तो बॉय का प्लुरल क्या होता है बॉयज तो यहाँ पे सिर्फ क्या यूज करना है हमको सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है तो ऐसे सभी नाउन जिनका अंतिम लेटर एस पे एंड होता है अगर हमें उसका रिलेशन उसके बाद आने वाले किसी नाउन से शो करना है आपको पता है ना हॉस्टल नाउन है आपको पता है ना टीम नाउन है आपको पता है ना, ना रेसिडेंस क्या है नाउन है तो ये क्या है एडजेक्टिव हुआ ना ये क्या हुआ एडजेक्टिव हुआ ये क्या हुआ एडजेक्टिव हुआ एक बात की बात कहना चाह रहा हूं मैं लेकिन फिर भी यहां हम इसको बता रहे कि किसका हॉस्टल बॉयज का हॉस्टल तो एक तरह से देखें तो एडजेक्टिव है लेकिन हमें यहाँ चार्ल्स को थॉमस को और बॉयज को नाउन की तरह ही यूज, यूज करना है क्योंकि एडजेक्टिव में एपोस्टोफी नहीं लगता है नाउन एंडिंग विद एस ऐसा कोई भी नाउन जो किस पे एंड होता है एस पे एंड होता है उसके लास्ट में केवल क्या लगाना है एपोस्ट्रोफी लगाना है आई विल नॉट टर्न डाउन

यहाँ क्या लगेगा केवल एपोस्ट्रोफी ये तो हुआ वो नाउन जिसके लास्ट में ऑलरेडी एस है चाहे वो किसी का नाम हो चाहे प्लूरल हो आपको सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है लेकिन इसमें देखो हिसिंग साउंड कौन सा साउंड पढ़ने से ही आपको जबान पे एक हिस सा जो है ना जो एस है वो साउंड जो है रिपीट होगा जैसे जीजस है ना जीजस लास्ट में सा आ रहा है सा हिसिंग साउंड तो ऐसा कोई भी वर्ड इसको पढ़ने से इस तरह का हिसिंग साउंड आता हो जीसस मोसेस पाइथागोरस सोक्रेटेस है ना जस्टिस कंजाइंस सब में लास्ट में ये वाला रिपीट हो रहा है ना एस एच ऐसे तो इसे हिसिंग साउंड कहते हैं क्या कहते हैं इसको हिसिंग साउंड और हिसिंग साउंड में ही सेम इसकी तरह ही क्योंकि ऑलरेडी हिसिंग साउंड है और कितना इसको हिस करेंगे तो इसलिए खाली क्या लगता है इसमें ओनली एपोस्ट्रोफी Only, अब तुम बताओ मोजेस में रहा, Moses, ये ये रहा लगाओगे तो कैसे पढ़ोगे पढ़ोगेस ऑलरेडी हिसिंग साउंड उसमें है तो ये एम्बीज ना हो जाए सुपरफ्लूस ना हो जाए तो सिर्फ इसमें क्या लगाते हैं हम लोग एपोस्ट्रोफी लगाते हैं सोक्रेटिस जस्टिस और कॉन्स आपको समझ में आ रहा है बात आगे बढ़े इन दोनों पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ठीक है पर्सोनिफाइड थिंग्स अब बताओ पर्सोनिफिकेशन क्या होता है पर्सोनिफिकेशन पर्सन person से बना है पर्सोनिफाइड पर्सन person से बना है देखो पर्सन और उसके बाद आई जैसे कि आइडेंटिफाइड पर्सोनिफाइड मतलब कोई ऐसी चीज जो नॉन लिविंग है उसे प्राण नहीं है लेकिन फिर भी उसको ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि उसके हाथ है उसके पैर है वो मूव कर सकता है उसमें मोबिलिटी है इंसान की तरह बिहेव करता है लेकिन है तो नॉन लिविंग तो जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह पर्सोनिफाई करते हो इमेजिन करते हो उसको वो फॉर्म देते हो रूप देते हो तो उसे कहते हैं पर्सोनिफाइड थिंग ऐसा कोई भी पर्सोनिफिकेशन अगर होता है तो क्या लगाना है इसके साथ एस यस एस क्या लगाना है एपोस्टोफियस जैसे ह्यूमन सोसाइटीज मस्ट लर्न टू लिव इन हारमोनी विथ नेचरस लॉज अब देखो नेचर के कानून अब बताओ कानून तो इंसानों के होते हैं नेचर मैंने प्रकृति प्रकृति कोई इंसान नहीं है लेकिन प्रकृति के नियम अब अगर हम कह रहे हैं कि प्रकृति के नियम तो प्रकृति तो, तो, तो नॉन लिविंग हुआ पेड़ पौधे लिविंग होते हैं वो अलग बात है लेकिन ये तो कोई इंसान नहीं है ना जो अपना कानून बना ले लेकिन हम क्या देख रहे हैं हमने क्या किया एक नॉन लिविंग थिंग्स को हमने पर्सोनिफिकेशन करके बता रहा है कि नहीं इनके भी कानून होते हैं और इनके कानून के हिसाब से ही मनुष्य के समाज को चलना चाहिए ताकि सस्टेनेबल बैलेंस रह सके है ना पेड़ पौधे इंसान साथ साथ जी सके तो यहाँ पे मैंने क्या किया है नेचर को परसोनीफाई कर दिया है नेचर को इंसान के रूप में हम देख रहे हैं इसलिए इसमें क्या लगेगा हमारा एपस्टोफियस ठीक है यहाँ पे देखो नेचर्स लिख के खाली एपोस्टोफी लगाओगे गलत है या नेचर्स लिख के फिर एस लगाओगे ये भी गलत है सही क्या होगा नेचर एन ए टी यू आर नेचर एस किसके कानून नेचर के कानून ड्यूटी कॉल कर्तव्य उसे बुला रहा है कर्तव्य की पुकार तो कर्तव्य तो कोई आदमी नहीं है जो पुकार रहा हो तुमको कर्तव्य को देख सकते हो नहीं कर्तव्य का निर्वाह किया जाता है कर्तव्य को पूरा किया जाता है ड्यूटी परफॉर्म की जाती है ड्यूटी कोई इंसान नहीं है लेकिन ड्यूटी बुला रहा है इसका मतलब तो ड्यूटी को परसोनीफाई किया गया है परसोनीफाई किया गया है तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा ईज लगेगा ड्यूटीज कॉल विदाउटेशन शोइंग यहाँ ड्यूटी में इसको एस नहीं लगेगा गलत है ये और ड्यूटीज का बहुवचन करके एस भी गलत है। क्या सही है और क्या नहीं होना चाहिए मैं बगल में इसलिए लिख रहा हूं कि अगर इस तरह से भी आया तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा जब मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं तो यही पढ़ना है ये अंडरस्टूड है कि ऐसे नहीं होगा ठीक है इन टाइम्स ऑफ ग्रीफ दुख के समय सोरस टीयर्स मैंने आंसू आंसू तो इंसान के होते हैं जानवर के हो सकते हैं ठीक है क्या होता है? तकलीफ, तकलीफ तकलीफ की आंसू कैसे होते हैं? तो कोई नहीं हुआ, इसका मतलब मैंने यहां दुख को परसोनिफाई किया है टाइप ऑफ पर्सन एंड ही आंसू है तो ऐसे जब परसोनिफिकेशन करोगे तो यहाँ पे क्या लगेगा नेचर तो, तो दिखता नहीं है तो नेचर को हम पर्सन की तरह एज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा एपोस्टोफियस तो ये गलत है सेम इसके जैसा नेचर में एस लगा केस नहीं होगा और इसका बहुवचन बना के एपोस्टोफियस भी नहीं होगा ठीक है सेम एवरी नाइट बिफोर स्लीप शी अ सोल्स प्लेयर आत्मा की प्रार्थना तो आत्मा तो हम नहीं देख सकते हैं पर हमने यहाँ सोल ये यह बता रहे हैं कि सोल का प्रेयर ठीक है हमने इसको पर्सोनिफाई किया तो इसलिए यहां पे क्या लगेगा हमारा एस लगेगा सोल में एस नहीं लगता है एपोस्टी नहीं लगेगा और सोल्स का बहुवचन बना के एपोस्ट्रोफी एस भी हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऐसा कोई भी चीज जो पर्सन नहीं है नॉन लिविंग थिंग्स है पर हम उसे लिविंग थिंग्स की तरह पर्सोनिफाई कर रहे हैं पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं और मुझे पोजेशन दिखाना है तो आप उसमें क्या लगाना पड़ेगा एपोस्ट्रोफी एस बिना उसका प्लूल बनाए या बिना उसके साथ एस और एस जोड़े सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लगा दो क्योंकि नेचर का स्पेलिंग ही होता है एन ए टी यू आर ई ना उसमें एस लगेगा ना ही एस लगाने के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगेगा सिर्फ नेचर और एपोस्ट्रोफी एपोस्टोफियस नेचर ठीक है जॉन कीट्स की कविता आप लोगों ने पढ़ी होगी द डेफोडिल्स तो डेफोडिल एक फूल है ना तो वहां पर उन्होंने ये बताया कि जब हवाएं बहती है तो डेफोडिल का जो फूल होता है वो झूमने लगता है जैसे कि कोई गर्ल जो है प्रकृति प्रकृति रूपी जो लड़की है वो वहां पे नाच रही है उस हवाओं के साथ तो वहां जॉनकि उस कविता के माध्यम से पर्सोनिफिकेशन किया है डेफोडिल को एक सुंदर नर्तकी का रूप दिया है इसे पर्सोनिफिकेशन करना कहते हैं आया मेरा बात समझ में कंपाउंड नाउन क्या नाउन कंपाउंड नाउन तो लास्ट टर्म के साथ क्या लग जाएगा एपोस्ट्रोफी एस जैसे मैंने पढ़ाया ना फादर इन लॉ ब्रदर इन लॉ तो मुझे यह बताना है कि फादर किसकी हेल्थ फादर इन लॉ की हेल्थ तो जो लास्ट वाला जो लॉ होगा ना इसमें एपोस्ट्रोफी एस होगा सिंगुलर और प्लुरल मैंने क्या बताया था कि ये अगर दो ससुर है समझ लो तो क्या लगेगा फादर में एस लगाना है लॉ में नहीं लेकिन जब मुझे पोजिशन बताना हो तब यहाँ पे जो अंतिम वाला वर्ड होगा ना लॉ उसके साथ लगाना होगा एपोस्ट्रोफी एस yes. लेकिन सिंगुलर बनाना हो प्लुरल बनाना हो तो कहा लगेगा फादर के साथ और अगर पोजिशन बताना हो तो लास्ट टर्म के साथ सो आई एम कंसर्न अबाउट माई फादर इन लॉज हेल्थ एंड आई होप ही गेट्स बेटर ठीक है माई ब्रदर इन लॉज जॉब मेरे जो साला है उसका काम किस काम किसका है साला का तो जो लास्ट टर्म है ना ये वाला कंपाउंड रॉन्ड में हाइफिन के बाद जो लास्ट वाला टर्म आता है इसके साथ हमें एपोस्टोफी एस का इस्तेमाल करना है माई ब्रदर इन लॉस आप अगर माई ब्रदर्स इन लॉ करोगे तो नहीं चलेगा जब प्योअर बनाओगे तब देखोगे माई ब्रदर्स इन लॉ कई साले हैं यहां बताना है मेरे साले का काम तो माई ब्रदर इन which जॉब रिक्वायर ट्रेवल फ्रिक्वेंटली विच year। थ्रू तो आउट क्लियर हुआ एकदम से आई होप सब समझ में आ रहा होगा आपको ठीक है इसके बाद देखेंगे ज्वाइंट पोजिशन सेपरेट पोजिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर लगभग मेरे लास्ट सेकंड स्लाइड होगा ये ठीक है थीके? अब इसको बहुत ध्यान सुनना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आ चुके हैं और आ रहे हैं का मतलब होता है जहां पे लोग दो या दो से अधिक है पर उनका अधिकार किसी एक ही चीज पे है जैसे मोहन एंड सोहन हाउस इज अ कोजी प्लेस फील्ड विथ वार्थ एंड लाफ्टर यहाँ पे हाउस की हम बात कर रहे हैं ध्यान से मेरी बात सुनना किसकी बात कर रहे हैं हाउस की हाउस किसका है अब बात यहाँ पे ये यह है जानना हमको ये है कि घर किसका है मोहन का है कि सोहन का है तो देखो मोहन फर्स्ट नाउन है सोहन सेकंड नाउन है और एस किसके साथ है सेकंड वाले के साथ है तो इसका मतलब ये है कि जो घर है ना ये इन दोनों के ज्वाइंट पोजिशन में है यानी घर एक ही है रहते कितने लोग हैं दो मोहन एंड सोहन लेकिन अगर मैं मोहन के साथ भी अगर ऑफ एस लगा दू कि मोहनस एंड सोहन हाउस तब ये क्या बन जाएगा प्लूरल क्योंकि मोहन का घर अलग हुआ सोहन का घर अलग हुआ देखो लिखा मैंने यहाँ पे शेक्सपियर्स एंड वर्ड्स वर्ड लिरिकल पोइट्री पोइट्री का प्लूरल नहीं होता है पता है ना आपको ठीक है तो यानी कि शेक्सपियर की, की पोइट्री अलग है और वर्ड्स वोड़, वर्थ वोड़ की पोइट्री अलग है तो ये क्या क्या बन 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 गया प्लूरल बन गया गया प्लूरल प्लूरल ना ये पोइट्री शेक्सपियर की अलग हो गई और, और तुम्हारा जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या बन गया प्लूरल, तो हमारा भार भी क्या होगा प्लूरल देखो इसमें एस और यस है नहीं है क्या नहीं है द शेफ एंड टीम वर्क अब बताओ टीम वर्क किसका है दोनों का मिला के इसलिए अगर टीम वर्क में शेफ और वेटर दोनों उस टीम में शामिल थे तो तो टीम वर्क दोनों का मिला के है ना ज्वाइंट है तो वेटर के बाद होगा अगर तुमने शेफ के बाद भी और हाँ अगर एपस्टोफियस लगाना है तो या तो लास्ट में लगाना होगा अगर ज्वाइंट दिखाना है तो या फिर फर्स्ट में लगाना होगा या, या दोनों दु, या में लगाना होगा फर्स्ट में लेकिन नहीं लगेगा या तो दोनों में लगाओ या फिर लास्ट में लगाओ तो लास्ट में लगाया है यानी टीम वर्क इन दोनों का मिला जुला है तो सिंगुलर हुआ तो भारत भी क्या होगा सिंगुलर होगा देखो यहाँ पे एस है लेकिन अगर यहाँ पे यहाँ भी एपोस्ट्रोफी एस होता यहाँ भी एपोस्ट्रोफी एस होता इसका मतलब शेफ का अपना टीम वर्क है और वेटर का अपना टीम वर्क है तब यहाँ क्या होता है एनश्योर यहां देखो कंपनी का द कंपनीज और कॉम्पिटिटर्स का स्ट्रैटेजी यानी इस कंपनी की स्ट्रैटी अलग है और का uh, uh, कॉम्पिटिट्रेटी अलग है तो दो दो स्ट्रेटीज हुए तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा आई ई एस और भार हमारा क्या हो गया प्लूरल कितना इंपॉर्टेंट है देखो तो पढ़ के तुमको समझना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ देखो आदिति एंड आदित्य स्कूल अब बताओ इसका मतलब क्या है इज नोन इज दिया हुआ singular है यानी कि सिंगुलर है यानी एक ही स्कूल है जिसमें अदिति भी पढ़ती है और आदित्य भी पढ़ती है तो आदित्य के बाद लगा दो लेकिन अगर अदिति में भी होता यहाँ भी स्कूल्स हो जाता यहाँ पे आर हो जाता क्योंकि अदिति की स्कूल अलग है और आदित्य का स्कूल अलग है लेकिन चूंकि सेकेंड नाउन के बाद हमने एपोस्ट ऑफियस का इस्तेमाल किया गया है यानी एक ही स्कूल में दोनों बच्चे पढ़ते हैं मेरा बात समझ में आया अब यहाँ देखो बिरला बिरला का और एक है चोपड़ा का दोनों का ज्वेलरी होगा, होगा? हो चोपड़ा ज्वेलरी अलग है और चोपड़ा का ज्वेलरी शॉप अलग है दो हो गए ना तो रिनाउंडोर इट डिजाइन एंड हाई क्वालिटी क्राफ्टिप तो जहां पढ़ के पता चलेगा कि दोनों का ज्वाइंट है तो वहां पे सिर्फ लास्ट वाले में पोस्ट फेस लगाना जहां पढ़ के तुमको लगेगा कि नहीं दोनों का अलग अलग है तो दोनों में आपको लगाना है। तो और सेपरेट। आपको समझ में आ गया क्लियर हो गया ये अलग से लूंगा जब जेरान पढ़ाऊंगा ना जेरान -E जी का मतलब क्या होता है देखो जेरान जो है इसको सिंपल भाषा में कहते हैं भार्फ का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना किसका इस्तेमाल करना तो, ये तो भर्व हुआ ये तो भर्व हुआ लेकिन ये हुआ एक्चुअली भर्व लेकिन इसी को जेरांड की तरह भी यूज किया जाता है तब तब जब ये भर्व ना होके भर्बल नाउन की तरह फंक्शन करे भी वन प्लस आई एन जी जैसे कम में लग गया कमिंग गो में लग गया गोइंग स्विम में लग गया स्विमिंग होता है ना इसे भर्व कहते हैं लेकिन जब भर्व का इस्तेमाल भर्व नाउन की तरह फंक्शन करे नाम की तरह फंक्शन करे तब वही भर्व क्या बन जाता है जेरंड नहीं समझ में आया ना देखो मैं समझा देता हूँ क्लियर भाषा में आई एम स्विमिंग इन द pool. बहुत ध्यान से देखना अभी क्लियर हो जाएगा आपको हालांकि जेर क्लास में अलग से लूंगा ठीक है एम ऑग्जुलरी भर्व है ये तो मानते हो और स्विमिंग कौन सा भर्व है मेन भर्व तो यहां पे जो स्विमिंग आपने इस्तेमाल किया है जो वर्ड होता है स्विम ये फर्स्ट फॉर्म भर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसमें क्या लगा देते हैं आई तो ये कंटिन्यूस हो गया ठीक है इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि भर की तरह यूज कर रहे हैं इसको और आई क्या है हमारा तो मैं तालाब में क्या कर रहा हूं स्विमिंग कर रहा हूं यानी इस वक्त मैं एक काम कर रहा हूं उस काम का नाम है स्विमिंग अब देखो इसी सेंटेंसेस को इसी वर्ड से कैसे लिखा जाता है स्विमिंग गुड स्पोर्ट फॉर एथलीट्स एथलीट्स के लिए स्विमिंग एक अच्छा खेल है अब मुझे बताओ यहां भर्व कौन है इस यही तो मेन भर्व है और तो कोई भाव नहीं है और स्विमिंग क्या है सब्जेक्ट अब मुझे बताओ क्या यहां पे कोई स्विम कर रहा है सेकंड वाले में फर्स्ट वाले में लिखा है ना आई एम स्विमिंग इन दूल तो मैं पूल में तैर रहा हूं आई एम स्विमिंग इन पूल नाउ मैं अभी पूल में तैर रहा हूं तो काम कर रहा हूं स्विमिंग लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ के लग रहा है कि यहां पे कोई स्विमिंग कर रहा है बल्कि यहां पे स्विमिंग क्या है नेम ऑफ नेम ऑफ अ गेम लेकिन इसका स्पेलिंग और इसका स्पेलिंग दोनों सेम है ना ये भी है भारत का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई और ये भी है भर्फ का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेकिन एक वर्ड का इस्तेमाल एक सेंस में भर्फ की तरह हुआ और उसी उसी वर्ड का इस्तेमाल एक सेंस में नाउन की तरह हुआ है ना तो जब नाउन की तरह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे एक खेल का नाम हो गया ना यहाँ मतलब तैरना नहीं ये खेल का नाम है तैराकी यहाँ है तैर रहा हूं और यहाँ पे है तैराकी एक अच्छा खेल होता है स्पोर्ट्स के लिए तो ये यह स्विमिंग यहाँ पे इसका मतलब एक, एक स्पोर्ट्स का नाम हो गया सेंटेंस में हमने कैसे यूज किया एज अ सब्जेक्ट और यहाँ हमने यूज किया एज अ वर्ब तो जब इस भर्व को हम नाउन की तरह यूज करते हैं व्हेन वी यूज दिस वर्ब एज अ नाउन इन अ सेंटेंस दिस वर्ब इज कॉल्ड वर्बल नाउन क्या बोलते हैं इसको तब इसी को बोलते हैं वर्बल नाउन वर्बल नाउन और इसे ही कुछ नहीं इसे ही कहते हैं जेरंड इसे कहते हैं जेरंड आई एम शूटिंग एट द बर्ड मैं पक्षी पे निशाना लगा रहा हूं तो यहां शूटिंग क्या हुआ भर्व हो गया शूटिंग इज द नेम ऑफ अ स्पोर्ट इन द ओलंपिक ओलंपिक में एक खेल का नाम क्या है शूटिंग कोई शूटिंग नहीं कर रहा है पर मैं खेल का नाम क्या है शूटिंग तो पहले वाले सेंटेंस में शूटिंग भर्व था सेकेंड वाले में क्या एक नाम है भरबल नाउन यानी कि जेरन की तरह यूज किया बात क्लियर हुआ क्या है तो जेरन कुछ नहीं है भर्बल नाउन है भर्ब में एनजी लगा के जब उसे नाउन की तरफ रिप्रेजेंट करते हो तो उसे भर्बल नाउन जेरंड कहते हैं ठीक इसी तरह से अभी मैं जेरंड तो अलग से क्लास लूंगा अभी आपको मैं थोड़ा तो समझा देता हूँ कि यहाँ पे जेरंड को कैसे इस्तेमाल किया गया है नाउन में तो एपोस्ट्रोफी एस प्लस जेरंड जैसे मिस्टर ठाकुर डिलेड मिस्टर ठाकुर ने क्या कर दिया डिले कर दिया क्या उसके बेटे का उसके हिज सन्स उसके बेटे का उसके बेटे का क्या गोइंग यहां पे गोइंग भर्व नहीं है यहां का गोइंग का मतलब होता है to college. उसके बेटे का कॉलेज जाना को उसके पिताजी ने क्या किया डिले कर दिया यह है भाव ये भाव नहीं है यह भाव प्लस आईएनजी को किस तरह से यूज किया है नाउन की तरह जैसे ऐसे लिख सकते हैं ना सन्स बुक तो तुम बोलते ना सर इतना है ना इन्होंने क्या किया है बुक ने लिख के क्या लिखा है सन्स गोइंग तो समझो जैसे कि सन के बाद अगर बुक होता तो आप कहते हैं सर बुक तो नाउन है क्योंकि हम जानते हैं कि बुक नाउन होता है लेकिन भर भी क्या होता है नाउन होता है ये क्या हो गया तुम्हारा जेरन क्योंकि नाउन में एपोस्ट्रोफी एस है और नाउन में एपोस्ट्रोफी एस के बाद हम जेरन का इस्तेमाल करते हैं नाउन में एपोस्ट्रोफी एस के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं जेरन का इस्तेमाल करते हैं और देखो ठीक उसके पहले क्या है पॉजिटिव केस प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से देखिए ये थोड़ा सा हाई लेवल की चीज़ है ठीक है मिस्टर ठाकुर डिलेड हिज सन्स गोइंग टू कॉलेज हिज सन्स गोइंग टू लंदन हिज सन्स गोइंग टू यूरोप उसके बेटे का जाना वो जा नहीं रहा है उसका जाना कैंसिल हो गया जैसे आप घर में बैठे हो कल कल आपकी फ़्लाइट है लंदन की आपके पिताजी ने कल कल का आपका जो लंदन जाने का जो प्रोग्राम था कल की जो रवानगी थी कैंसिल कर दिया आप तो घर में बैठे हो ना आज में जाना तो कल है कैंसिल हो गया तो आप क्या बोलते हो मेरा जाना पापा ने कैंसल कर दिया मेरा जाना मैंने पढ़ाया पढ़ाया था था ना था ना प्लस हम किसका इस्तेमाल करते हैं पार्टिसिपल पार्टिसिपल का ही मतलब होता है भर प्लस आई एनजी कमो बेश इसे भर की तरह ही यूज किया जाता है दिखता लेकिन जेरन जैसा है वी शुडंट बी बॉदर्ड हमें परेशान नहीं होना चाहिए बाई हर क्या है पॉजिटिव केस किससे हमें अब देखो वी शुडेंट बी बॉद बाई हमें परेशान नहीं होना चाहिए किससे उसके हर के हर के कौन लेट आने से अराइविंग तो यहां भी देखो आपको अराइव जो भर्व का फर्स्ट फॉर्म है उसमें क्या लगा है आई एन जी पर यहाँ पे कैसे यूज किया गया है भर पे उसका आना यहाँ भी पार्टिसिपल जेरंड ही बोल सकते हैं इसको वी शुडंट बी हर का अराइविंग तो लेट आने से हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए या उस उसके बेटे के चले जाना बेटे की रवानगी उसका लेट आना ठीक है आप देखो हर केस में पहले एक पॉजिटिव केस है कि नहीं है पॉजिटिव केस है कि नहीं है देखो ध्यान से ठीक है एग्जाम्पल देखो I am not in favor of my. देखो my. क्यों कौन सा केस पॉजिटिव केस हर हर माई देख रहे हो उसके बाद क्या आ रहा है ब्रदर क्योंकि देखो यहाँ पे हर है ना हर ऑलरेडी पॉजिटिव केस है यहाँ पे माई के बाद तुम एक नाउन लगा दिया तो नाउन ब्रदर का क्या ब्रदर का काम तो ब्रदर में क्या लग गया हमारा एपोस्ट्रोफी एस मेरे भाई का एक peon की तरह काम करना के पक्ष में मैं नहीं हूं तो यहाँ पे देखो माई हो गया तुम्हारा केस। उसके नाउन लगाया और नाउन के साथ ये बताना है वर्किंग हो गया तुम्हारा पार्टिसिपल या जेरान कह सकते हैं इसको भार्वल नाउन कह सकते हैं इस तरह से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये दो केस हुआ और तीसरा केस है पैसिव स्टाइल देखो जब तुमको टेंस पढ़ा देंगे तो टेंस पढ़ने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा एक्टिव पैसिव एक्टिव पैसिव जैसे आई टाइगर मैंने सब्जेक्ट है ये मार दिया हर भाई है किसे ये ऑब्जेक्ट हो पैसिव ये तो ये एक्शन है मारने का काम कौन कर रहा है आई सेंटेंस में जो काम होता है उस काम को करने वाला जो होता है वो सेंटेंस के अगर स्टार्टिंग में ही हो एज अ सब्जेक्ट और वही मारने का भी काम कर रहा हो तो हम कहते हैं कि ये जो भर्व है ना ये ये भर्व ये किस में है एक्टिव है एक्टिव वॉइस में है क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है एक्टिव है क्योंकि मारने का काम भी आई कर रहा है सेंटेंस की शुरुआत भी किससे हो रही है आई से अब इसको चेंज करो तीन नंबर को फर्स्ट में ले गया हो आएगा, दो को बीच में रखो वह किल थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा वह किल वो बाद में पढ़ेंगे और एक नंबर को यहाँ रखो ये यह दो नंबर हो गया और ये एक नंबर बाई मी अब तुम मुझे एक बात बताओ यहाँ भी तो मारे जाने का काम हो रहा है ठीक है लेकिन मारे जाने का काम यहां भी कौन कर रहा है मेरे द्वारा हो रहा है तो मैं मार रहा हूं ना जो करने वाला होता है डू द एक्शन जो काम का डूर होता है वो हमेशा होता है शुरुआत में बताओ सब्जेक्ट के प्लेस पे कौन बैठा है टाइगर एंड सब्जेक्ट किसे कहते हैं डूअर ऑफ द एक्शन को जो भी सेंटेंस में काम होता है उसे करने का काम ये बंदा करता है अब तुम मुझे बताओ सेंटेंस पढ़ के बताओ सब्जेक्ट के प्लेस पे बैठे होने के बावजूद भी क्या और टाइगर मार रहे हैं काम कर रहा है नहीं बल्कि जो हुआ है उसके रिजल्ट को रिसीव कर रहे हैं ना और जो जिस जिसने काम किया है वो कहाँ पे है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है और जो जिसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होना चाहिए वो किस प्लेस पे है सब्जेक्ट उल्टा हो गया तो हम कहते हैं कि जो भर्व है ना ये पैसिव है इनएक्टिव है सेंटेंस हमारा किस वॉइस में है पैसिव वॉइस में है अभी फिलहाल इतना ही जान के रखो तो पैसिव सेंटेंस जब पैसिव स्टाइल में किसी सेंटेंस को लिखते हैं कोई एफी का इस्तेमाल नहीं होता है किसका इस्तेमाल होता है जेरान का ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको ये क्लियर होता चला जाएगा आप इसको रूल में ढालने की कोशिश मत करना ये आपके मेच्योरिटी सेंस ऑफ मेच्योरिटी जितना आप करते जाओगे सीखते जाओगे उस पर डिपेंड करता है हालांकि जेरान पे मैं अलग से क्लास लूंगा ठीक है द इंडियंस शॉक एट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती गांधी बींग बी में क्या लगता है आई एन जी तो जेर हो गया भरबल नाउन अब ये बींगे क्यों लगा जब तक एक्टिव प्रेसिव नहीं पढ़ेंगे के बारे में समझ में नहीं आएगा ठीक है फिलहाल उतना क्वेश्चन इस इसमें नहीं आएगा फिलहाल मैंने जस्ट क्या क्या इसमें काम आता है मैं लिख दिया मेन है तुम्हारा ये वाला ये वाला और ये वाला मिस्टर ठाकुर डिलेड ही सन्स गोइंग टू कॉलेज ही एडमायर्स लता सिंगिंग किसका सिंगिंग लता सिंगिंग लता के गाने लता उस समय नहीं गा रही है वो तो उनके गाने की प्रशंसा करते हैं वी शुडेंट बी बॉड बाई हर अराइविंग लेट या माई ब्रदर्स वर्किंग एज अ प्यूर यानी जब भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा देखना पीछे क्या होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा और आगे क्या होगा जेरह पार्टिसिपल होगा और यहाँ भी देखो नाउन है ये रहा नाउन ये देखो माई के बाद क्या है नाउन है तो ये और ये सेम हुआ कि नहीं हुआ हिज माई सन ब्रदर एपोस्ट्रोफी एस एपोस्ट्रोफी एस गोइंग वर्किंग ठीक है तो दिस इज दी कंप्लीट बेसिक टू एडवांस लेवल नॉलेज ऑफ नाउन दैट वी हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड हेयर टूडे ये भी हम लोग का हो चुका है तो आई होप कि आपको नाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आठ सेशन लगे लेकिन नाउन हमारा पूरा क्लियर हो गया इसके बाद इसके अगले सेशन जो नाइन्थ और टेंथ नंबर सेशन होगा वहां हम लोग प्रीवियस बीस सालों के सवाल जो कि नाउन पे हैं

सेंटेंस इंप्रूवमेंट कराओ या वर्ड शॉपिंग कराओ तो आप बेहतर तरीके से उन सवालों को टैकल कर सको जवाब दे सको उसके लिए पूरे पीडीएफ आपको पढ़ने हैं नोट्स बनाने हैं जितना आप नोट्स बनाओगे अपने हाथ से उतना आपको ज्यादा मेमोराइज होगा तो सेशन कंप्लीट हो रहा है तो नाउन हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है इसके बाद हम इसके एप्लीकेशन की ओर आगे बढ़ेंगे ओके थैंक यू